के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों आज आईडीओ करने का मेन पर्पज जो जानकारी प्राप्त हुआ है काउंटर को लेके उसे आपको अवगत कराना और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट श्री संजय किशन कौल साहब के बेंच में जो आगामी हमारा आपका 18 जनवरी को डेट लगा है, 7 जनवरी का जो डेट लगा था रांगली होके 18 जनवरी को जो डेट सुनिश्चित हुआ है फाइनल आर्गुमेंट का जो आशा है उसके बारे में जानकारी देना कि आज का आईडीओ का मेन उद्देश्य। सबसे पहले काउंटर पे जिक्र कर लेते हैं। मित्रों जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है उस हिसाब से काउंटर लखनऊ से जा चुका है दिल्ली स्टेट के तरफ से जो मिश्रा जी हैं प्रदीप जो एवार हैं उनको रिसीव करा दिया गया है, हैंड ओवर करा दिया गया है। काउंटर जो दाखिल हो रहा है वो भर्ती बोर्ड के तरफ से ना कि मुख्यालय या सरकार के तरफ से ओनली भर्ती बोर्ड के तरफ से दाखिल हो रहा है और राजधानी दिल्ली में पहुंच भी चुका है। अब प्रदीप मिश्रा जी कोर्ट के भाषा में उसे काउंटर तैयार करेंगे, समय जरूर लगेगा लेकिन सही वक्त पे वो दाखिल कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है ये बेंच संजय किशन कौल साहब का है, किसी का लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता है ये कोर्ट, चाहे पेटिशनर या स्टेट तो सही वक्त पे वो दाखिल कर देंगे क्योंकि काउंटर पहुंच चुका है, जवाब जा चुका है तो हर हाल में दाखिल हो जाए। अब काउंटर को लेकर तमाम तथा कथित बातें सामने आया जो 100% मिथ्या था। 4 लाख इनको दे दो, 2 लाख उनको दे दो, तमाम प्रकार के ये तथा कथित बातें सामने आया जिस पे हमने सहमति नहीं दिखाया तो हमें भी विरोध झेलना पड़ा क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्तेजित किया जाता है कि अजय मिश्रा पे काउंटर करो तभी हमारा तो पैसे को लेके खेल चलेगा। लेकिन मुझ पे निंदा करा के कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि निंदा से मैं घबरा के रास्ता भटकने वाला नहीं हूं, दाग तो चांद पे भी लगा। मित्रों मैं सही पे सहमति दिखाऊंगा और सही कार्य करूंगा। वक्त सही या गलत खुद आयना बन के दिखाएगा, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है और रास्ता भटकने की जरूरत नहीं। दूसरी बात काउंटर ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट में इस बात को इस तरह से पेश किया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में उस बात को दूसरे तरह से पेश किया जाए, ये संभव नहीं है। ये विचारों का खेल है क्योंकि जो भी काउंटर दाखिल होता है चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी का पर्सनल एफिडेविट या आधार कार्ड लगा रहता है। कोई भी डीएसपी रैंक का या एसपी रैंक का अधिकारी या डीएम चंद पैसों के लिए वो अपना वर्दी दाग नहीं लगाएगा लेकिन लोगों का सोच अलग है, विचार अलग है, अपने आप को खुद का बड़ा नेता साबित करने के लिए क्या क्या लोग करेंगे ये सोच के बहुत दुख होता है। लेकिन छोड़िए अब भर्ती बोर्ड के तरफ से जो काउंटर दाखिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल हो चुका है 15/7/2019 को फर्स्ट काउंटर उसमें मिथिलेश कुमार तिवारी डीएसपी का पर्सनल एफिडेविट लगा था उससे अलग वो नहीं जा सकते हैं वरना कंटेम्प्ट जरूर होगा। बातों को पेश करने का तरीका जरूर अलग हो सकता है लेकिन बात वही रहेगी। जैसे 15 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 15 मई ही तो रहेगा
18 मई को नोटिस हुआ तो 18 मई रहेगा, 21 मई को रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट घोषित हुआ 21 मई रहेगा, 7 सितंबर 2018 को पुनः डीवीपीएसटी 1366 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वही रहेगा, 23 जनवरी को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें एडिशनल रूप से कुछ ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कुछ एससी के, तो सारी चीजें वही रहेगा, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में भर्ती बोर्ड के द्वारा मेडिकल ऑप्शन या कैरेक्टर वेरिफिकेशन, बची हुई सीटें फ्यूचर सिलेक्शन भविष्य के लिए बताया गया। और यह भी कहा गया कि 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब स्पष्ट कि 2018 में भर्ती कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जो कैरी फॉरवर्ड को लेके कुछ व्यक्ति विशेष चिंतित में रहते हैं, मित्रों ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो आपकी भर्ती कंटिन्यू चलता रहे और बीच में ही आपको कैरी फॉरवर्ड होता रहे। 15 मई को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ, 18 मई को नोटिस आया टेक्निकल त्रुटि, 21 मई को रिजल्ट क्लियर हुआ रिवाइज, 7 सितंबर को बची हुई 1366 पे डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट क्लियर हुआ, 23 जनवरी को 1366 का फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ 1313 एससी महिलाओं का, तो आपका भर्ती 13 जनवरी 2019 तक कंटिन्यू चलता रहा और इस बीच में कोई भर्ती कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता और इसके बाद कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ, इसलिए कैरी फॉरवर्ड को लेकर चिंता में ना रहिए आप लोग। अब मेन समस्या जो हमारा एक है रूल, जो फ्यूज कंडक्टर की तरह है, हमें आपको पूरा फोकस रूल पे ही करना है, क्योंकि हम आप परिणाम में तब्दील नहीं कर पाए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, तो सबसे बड़ा व्याधार रूल ही है। जब तक रूल को हम अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं कर देते हैं, तब तक हम परिणाम में तब्दील अपना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। और रूल में बहस कराने के लिए एक बड़े विद्वान की जरूरत होती है, जानकार की जरूरत होती है, एक उच्च कोट के अधिवक्ता का जरूरत होती है, सोलिस्टर जनरल या अटॉर्नी जनरल जैसे अधिवक्ता की जरूरत होती है, रंजीत कुमार मुकुल रोहतगी या हरीश सालवे जैसे अधिवक्ता की जरूरत है। मित्रों परिणाम जरूर मिलेगा और सकारात्मक मिलेगा, बस एक बेहतर कोशिश करने की जरूरत है। बड़ा अधिवक्ता करने में हम आप कामयाब हुए तो जरूर सकारात्मक सकारात्मक न्यूज मिलेगा और सबको वर्दी मिलेगा, कोई निराश होकर लौट के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हमेशा न्याय देता है और सत्य हमेशा जीतता है, परेशान जरूर होता है लेकिन जीतता है, ये इतिहास गवाह है। बस राजनीति ना हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो पेटिशनर हो, अपने तरफ से सब 100% योगदान दें तो जरूर कामयाबी मिलेगा, क्योंकि जो ये हमें अवसर मिला है इस अवसर में हम 99% योगदान नहीं देके जीत सकते, हमें 100-101% योगदान करना ही तब जाके हम परिणाम में तब्दील कर पाएंगे। तो आप परेशान न रहिए, जो जिसका दायित्व है वो अपना दायित्व निभाए, जरूर लक्ष्य हमें हासिल होगा, जरूर हमें परिणाम। मित्रों काउंटर एक दो पेज तो हम नहीं कह सकते हैं, फिर बदल हो सकता है, बाकी सेम काउंटर रहेगा और उस काउंटर से मुझे कोई भी घबराहट नहीं है, बस बेहतर अधिवक्ता की जरूरत है, बेहतर उनको जवाब मिलेगा, चाहे एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में, चाहे रिजॉइंडर के रूप में। चार फाइलों पे जो नोटिस भर्ती बोर्ड सबको रिसीव करा दिया गया है, तो चारों पे काउंटर आएगा, विलंब हो सकता है, लेकिन एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, जिस भी फाइल पे आएगा उस पे बहस शुरू हो जाएगा, क्योंकि विलंब नहीं किया जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड चाल कर सकता है कि धीरे धीरे
लेकिन हमें विलंब नहीं करना है क्योंकि हर डेट में एक मोटा रकम खर्च होगा। तो फाइनल आर्गुमेंट हर हाल में 18 तारीख से प्रारंभ करवा दें। मित्रों आगे जो हमें आर्गुमेंट करवाना है इसमें उच्च कोटि के ही अधिवक्ता को हायर करना मजबूरी है। और जब तो ऐसा हम आप नहीं करते हैं तो शायद जीवन में हम पछताते रह जाएंगे और बेरोजगारी का ठप्पा होना पड़ेगा। इसलिए अफसोस की बातें ना हो भविष्य में, जो करना है वो करना ही होगा। हर हाल में प्रयास करना है और बड़ा से बड़ा अधिवक्ता खड़ा करना है। काउंटर जैसे फाइल होता है कोर्ट में, तत्काल तैयारी में हम आप जुटेंगे। आगे की जो भी जानकारी रणनीत होगा बहुत जल्द आप लोगों को दिया जाएगा। सोमवार को हमारा एक डेट लगा है, उसे टैग करवाना है। रिस्क बिना मखीजा मैडम को उस केस में भी इंगेज कर दिया गया है, जिससे टैग होने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रिस्क लेना इस समय उचित नहीं है। इसलिए मखीजा मैडम को उस केस में भी हायर हमने कर दिया है। किसी को एक पैसे देने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। आगे जो भी आपसे सहयोग लिया जाएगा वो फाइनल बहस में ही लिया जाएगा। उसके पहले जो भी काउंटर, रिज्वाइंडर, एडिशनल डॉक्यूमेंट या जो भी कोर्ट न्यायालय का प्रक्रिया है उसे पूरा कराया जाएगा। बस आप लोगों से फाइनल बहस के लिए ही सहयोग लिया जाएगा और मुझे उम्मीद है हर अभ्यर्थी 100% योगदान देगा, जिससे बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर किया जा सके। उसी में सबकी भलाई है। वर्दी सबको लेना है, यहाँ राजनीति से पेट किसी को भरना नहीं। बाकी आप समझदार हैं, काउंटर पक्ष विपक्ष को लेके जरा सा भी परेशान न रहिए। वहाँ हर आईएएस या आईपीएस का पर्सनल एफिडेविट लगता है, जो काउंटर न्यायालय में दाखिल हुआ था सेम काउंटर जाएगा। कुछ चीजें कोर्ट ने जो पूछा है उसमें फेर बदल होगा, क्योंकि मेन जो समस्या हमारा जड़ है कोर्ट ने उस पर नोटिस किया है, मेडिकल एब्सेंट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन। और जो सरकार को कोर्ट ने ड्यूटी दिया था कि आपको लगातार 30,000 वैकेंसी हर साल फिलअप करना है, उसको भी पूछा है, उनको जवाब देना ही होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी समस्या आता है, एक साथ एकजुट होकर बेहतर मुकाबला किया जाएगा और जरूर परिणाम मिलेगा। आगे बहुत जल्द आईडियो के थ्रू रणनीति क्या है, क्या नहीं करना है आपको अवगत कराया जाएगा। काउंटर को लेके परेशान न रहिए, रिज्वाइंडर को लेके परेशान न रहिए। बस आप अपने दिमाग में ये चीज जरूर इख्तियार करिए कि 18 तारीख को फाइनल बहस हो सकता है, जिसमें हमें उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को खड़ा करना है, इंगेज करना है। आपका योगदान ही इस भर्ती को बचा सकता है। बाकी आप समझदार हैं। सोम के लिए मैंने इंगेज कर दिया है अधिवक्ता, मखीजा मैडम रहेंगी, टैग हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अभ्यर्थी छूटे थे उनका भी कार्य 99% हो चुका है, वो भी सोम या मंगल तक रजिस्टर्ड हो जाए। मैं अपने तरफ से कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही न करता हूँ, न करूंगा, क्योंकि जैसे हमारा भविष्य है वैसे और हमारे भाई और बहनों का भविष्य। कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं किया जाए और कभी भी इस भर्ती के लिए हमने गलत नहीं किया है और न गलत समर्थन किया है। चाहे माननीय उच्च न्यायालय की बात हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमेशा हम 100% या 101% देने का कोशिश करते हैं कि जिससे रिजल्ट पॉजिटिव आए और सबका भविष्य उज्जवल हो। तो आप लोग घबराइए ना, जो भी प्रयास किया जाएगा वो सकारात्मक रिजल्ट के लिए, जिससे कोई भाई निराश लौट के ना आए। और आगे की जानकारी आप लोगों को सोमवार शाम तक या मंगलवार तक आपको दे दिया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक और भी सारे चीजें क्लियर हो जाए। तो काउंटर, रिज्वाइंडर, ये तमाम चीजों को लेके परेशान न रहे, ये लीडर का कर्तव्य है और जरूर वो निभाएगा जिसको जिम्मेदारी मिला।
इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।